Hello everyone. In this lecture, we are starting new chapter in the geometry. The topic name is triangle. Triangle is the very important chapter. 9th में आएगा, 10th में आएगा, 11th, 12th. जब तक आप maths करोगे, तब तक आपको ये chapter पीछा नहीं छोड़ने वाला. Now triangle से ना प्यार कर लो. And इतना important chapter है. Next year जब 10th में आओगे, तब definitely 15 to 20 marks के question ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में से ही निकल के आते हैं. क्लियर? नाउ ट्रायंगल्स क्या होता है तो सबको पता है, मुझे ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत भी नहीं है. कि अगर मैं एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लू, सेकेंड लाइन अगर मैं यहाँ से वेट हाँ सेकेंड लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ कर ली, सॉरी काफी बड़ी लाइन ड्रॉ हो गई, वेट हाँ, और थर्ड लाइन मैंने अगर यहाँ से ड्रॉ कर ली तो ये मेरा हो जाता है ट्रायंगल. ये मेरा क्या हो जाता है? ट्रायंगल. क्लियर? अब ट्रायंगल बना है तो ट्रायंगल को नाम भी दे दो. अगर आपने मम्मी पापा ने आपको सिर्फ बॉर्न करके ऐसे छोड़ दिया होता तो आपका नाम कुछ नहीं होता, एच ओई ऐसे सब बुलाते तो अच्छा नहीं लगता, तो ट्रायंगल को भी अच्छा नहीं लगेगा. ट्रायंगल को भी नाम दे दो, ए बी एंड यहाँ पे दे दो सी. क्लियर है? ये उसमें अगर देखो तो यहाँ पे उसके ना तीन साइड फॉर्म हो रही है. एक हो रही है ए बी, दूसरी हो रही है बी सी एंड तीसरी हो रही है ए सी. क्लियर है? ऐसे ही तीन एंगल भी फॉर्म हो रहे हैं. क्लियर? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. ओके, सो नाउ सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लिख सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ All angles of triangle is 180 degree. Clear है? आपको यहाँ पे मैंने पहली प्रॉपर्टी भी बता दी, आपको ये चैप्टर में सबसे ज्यादा काम आएगी ये प्रॉपर्टी. बट कोई मेरा एक स्मार्ट बच्चा रहेगा, वो बोलेगा कि सर एंगल ए को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो. तो मैंने कहा कैसे? तो आप कहोगे एंगल बी ए सी. एंगल बी को भी तो आप ऐसे लिख सकते हो एंगल ए बी सी, मैं बोला एग्जैक्टली. और एंगल सी को आप ऐसे लिख सकते हो ए सी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अगर आप ध्यान से देखो तो देखो एंगल ए बी और सी मिडल वाला एंगल यहाँ पे कंसीडर होता है, तो यहाँ पे भी वही आ रहा है, यहाँ पे भी वही आ रहा है. अब और एक मेरा स्मार्ट बच्चा बोलेगा कि सर आप और अच्छे से देखो, एंगल ए को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एंगल सी ए बी, मैं बोला यस. एंगल बी को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एंगल सी बी ए, मैं बोला यस एग्जैक्टली. एंड लास्ट आपका जो एंगल है उसे कहोगे कि आप ऐसे भी लिख सकते हो एंगल बी सी ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर ये तीनों तरीके से लिखोगे, ये तीनों तरीके आपके लिए एकदम परफेक्ट है. आप तीनों तरीके से लिख सकते हो, डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन कि आपको क्वेश्चन कैसे टाइप का है. नाउ सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल में, सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. क्लियर है? नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. बिट हाँ, सेकेंड वाली प्रॉपर्टी है इज द एक्सटीरियर एंगल. एंड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके नाइन्थ के लिए, और ये प्रॉपर्टी आपका पीछा है ना लास्ट नेक्स्ट ईयर भी नहीं छोड़ेगी, ये प्रॉपर्टी आपका पीछा नेक्स्ट ईयर भी नहीं छोड़ेगी. ओके, नाउ ये एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, तो मैं कहना पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ. वेट एक मिनट, थोड़ा सा कलरफुल फिगर रहेगा तो आपको भी देखने में अच्छा लगेगा. ओके, और लास्ट लाइन ग्रीन. चल एक मिनट, एक थोड़ी सी छोटी लाइन कर देता हूँ. यस, नाउ अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल फॉर्म किया है ए बी सी एंड यहाँ पे लिख लो डी, बराबर. नाउ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या होता है? बाहर का एंगल. अब बाहर का एंगल मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो एंगल ए सी डी
ये आपका क्या हो जाता है एक्सटीरियर एंगल, एक है आपका एक्सटीरियर एंगल, क्लियर है? एक्सटीरियर मतलब बाहर की साइड वाला एंगल, बराबर। नाउ अब है ना ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, पहले प्रॉपर्टी मत समझो, पहले कौन सा एंगल को क्या बोलते हैं ना वो समझ जाते हैं। अब एंगल ए बी सी भी तो है, उसको भी कुछ बोलते रहेंगे। तो एक्सटीरियर के बाजू वाला जो एंगल होता है वो होता है आपका इंटीरियर एडजेसेंट एंगल, ये क्या होता है आपका इंटीरियर एडजेसेंट एंगल। और ये जो रिमेनिंग टू एंगल्स है, ये जो रिमेनिंग टू एंगल है, एक मिनट, ये जो रिमेनिंग टू एंगल है ए एंड बी, ये आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके हो जाते हैं इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ये क्या हो जाते हैं इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। नाउ ये आपको नॉलेज के लिए काम रखना है, क्योंकि 10th के में ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, तो आपको याद रखनी है। नाउ अब ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या है, क्वेश्चन में कैसे आएगा? क्वेश्चन में आपको ऐसे ये सब थोड़ी पूछेंगे कि ये कौन सा एंगल है, ये कौन सा एंगल है, वहां पे तो आपको ये बेसिक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। नाउ प्रॉपर्टीज कि आपका जो एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल है ए सी डी, वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी के। अगर मैं शॉर्ट में कहूं कि आपका जो एक्सटीरियर एंगल है, ओके, वो किसको इक्वल होगा, एंगल ए और एंगल बी के सम को, क्लियर है? आपका जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसको इक्वल होगा, आपके ए और बी के सम को। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो सिंपल, अगर मैं कहूँ ये 40 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 110 डिग्री, क्लियर है? काफी सिंपल है प्रॉपर्टी और काफी यूजफुल है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में आपको है ना ये प्रॉपर्टी काम आएगी, क्लियर? एंड नाउ लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस एक्सरसाइज, बेटा चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज की लास्ट प्रॉपर्टी है, एक मिनट, प्रॉपर्टी का नाम है एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी जो काफी आपको यूजफुल होगी ये चैप्टर के रिलेटेड। सपोज मैंने यहाँ से एक रे बना दी, एक रे सपोज मैंने यहाँ से ड्रॉ कर ली, क्लियर, और एक रे मैंने यहाँ से और ड्रॉ कर ली, चल। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो इसको नाम दे देते ए, यहाँ पे वर्टेक्स को बी, इसको सी और यहाँ पे डी। जब बोला है कि एंगल ए सॉरी इफ रे बी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, ऐसा आपको स्टेटमेंट दिया तो उसका आंसर आएगा देन एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल डी बी सी, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे इक्वल, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे इक्वल। अगर किसी को नहीं समझा तो 2 मिनट दो। अगर मैं कहूँ कि ये एंगल मेरा 70 डिग्री है, ओके, ये एंगल कितना है 70, और बाइसेक्ट वर्ड यूज हुआ, तो ये दोनों क्या हो जाएगा इक्वल पार्ट, ये दोनों इक्वल पार्ट में क्या हो जाएंगे डिवाइड, बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ कि अगर ये एंगल पूरा 70 है तो ये दोनों कितना हो जाएगा 35 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 35 डिग्री, क्लियर है? आई होप कि मैं आपको ये तीनों प्रॉपर्टी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, एंड हो सके उतना फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाओ, एंड थैंक यू सो मच गाइस।